Check. हेलो दोस्तों, और फिर अयोध्या से और काफी सारे भैया लोग भी आए थे, सब डीजे वाले हैं। अच्छा लगता है बाहर में जब इतने सारे डीजे वाले भैया से मिलते हैं। और आप लोग सार्जन भैया को फॉलो करें और सपोर्ट करें, सपोर्ट किए और बहुत तगड़ा सेटअप बजा भैया का। चलिए बहुत अच्छा। और ये लास्ट वाला कंडीशन जो बोतल, क्या घर। चाबी के पिंटू पर नींद उंड सब
ये करके पूरा रात भर जग के एकदम थक के, मत पूछिए कितना मेहनत करते हैं और कितना मेहनत लगता है, इतना नींद आ रहा है फिर भी सो नहीं सकते हैं, ये भी मजबूरी है। ये देखो जहाँ मिले वहीं सो जाते हैं। वह को सारा सामान उन लोग का पहुँचाते हुए अब कल उतना देर तक पैदल चलने के बाद, रोड शो भर पैदल चलने के बाद और फिर पूरा रात हर जग के पूरा माल को खोलना और देख सकते हैं। और भी थोड़ा देर पहले दिखाएं जो, और इधर सुबह का सीन महेश को देखो, महेश का भी हालत ख़राब, सबका भी हालत ख़राब है। अभी होल्डिंग छुटा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वेट था तो होल्डिंग करवाए थे, किसी को नुकसान नहीं। ये अपना गाड़ी था और इधर देख सकते हैं क्या कंडीशन रहता है, हाथ पैर पूरा जवाब दे देता है। और इधर भी देख सकते हैं भाई लोग इतना मेहनत करते हैं तब जाके डीजे वाला एक आपको एक रोड शो दे पाता है। तो इन सब के लिए आप लोग को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। जिस तरह से बदलते समय में आप लोग जो तो कमेंट करके किसी को भी पार हो जाते हैं तो वो चीज़ ना करें। और इधर सुबह का सीन महेश को देखो, महेश का भी हालत ख़राब, सबका भी हालत ख़राब है। अभी होल्डिंग छुटा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वेट था तो होल्डिंग करवाए थे, किसी को नुकसान। ये अपना गाड़ी था और इधर देख सकते हैं क्या कंडीशन रहता है, हाथ पैर पूरा जवाब दे देता है। और इधर भी देख सकते हैं भाई लोग इतना मेहनत करते हैं तब जाके डीजे वाला एक आपको एक रोड शो दे पाता है। तो इन सब के लिए आप लोग को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। जिस तरह से बदलते समय में आप लोग जो तो कमेंट करके किसी को भी पार हो जाते हैं तो वो चीज़ ना करें। हम लोग का हालात देखिए दोस्तों, कितना मेहनत करना पड़ता है, देख के ही अंदाज लगाओ कि एक बड़ा सेटअप रोड शो करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। बस आज चौथा या पांचवा दिन है ऐसे कुछ है, और ये हम लोग वाराणसी क्रॉस कर रहे हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल वाराणसी, हम लोग का हालात देखिए दोस्तों, कितना मेहनत करना पड़ता है, देख के ही अंदाज लगाओ कि एक बड़ा सेटअप रोड शो करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। बस आज चौथा या पांचवा दिन है ऐसे कुछ है, और ये हम लोग वाराणसी क्रॉस कर रहे हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल वाराणसी, और इधर आते वक्त यूपी का ही एक होटल आप पीछे देख सकते हैं। और अभी सबका हालत ख़राब है, देख रहे हैं सब धीरे धीरे अब उतर रहे हैं, कुछ लड़का एनर्जी के साथ दिख रहे हैं पावर बेस। भाई लोग एक बार थोड़ा सा जोश दिखा दो, थोड़ा सा हाई हेलो कर दो, मेरा आवाज़ वज सब बैठ गया है।
आप धीरे धीरे जैसे घर की ओर पहुंचेंगे थोड़ा थोड़ा एनर्जी आएगा। गुरु जी क्या कहना है इस स्ट्रगल के बारे में? अभी थोड़ा नाम आपके सुना। हाँ और उधर कुछ एक हड़बड़ी में चेंजिंग में अब अरे बाबा एकदम मस्त जगह मिल गया है हम लोग को। अब धीरे धीरे हम लोग का थोड़ा सा एनर्जी लौट रहा है जो कंडीशन देख के। बाकी अब धीरे धीरे थोड़ा सा सही में एनर्जी आ रहा है, घर की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर गाड़ी अपना रोक दी है और दो गाड़ी अभी आ रहा है और उसके बाद नहाना खाना ये करके अपना फिर निकल जाएंगे, फिर आपको मिलते हैं वीडियो में। मैंने भी बताए थे यहाँ पर फूल से सम्मानित किया था हमको, वहाँ के जो फैंस है दूरी से आए थे, लेकिन मैंने अपने जगह प्रभु के चरणों में रखना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझा कि ये फूल उनके चरणों में रहेगा, वही इसका सही प्लेस है। और इधर लड़का लोग फ्रेश हो रहा है ये देखिए। और इसके लोग का जो होटल जहाँ पर रुके हैं वो भी आप लोग को दिखाते हैं। और जो गाड़ी सब अभी लगभग सारा गाड़ी आ गया है, यहाँ पर हम लोग का पहला गाड़ी और ये रहा हमारा दूसरा गाड़ी, देख सकते हैं। और खाते हैं ये रहा तीसरा और अपना वो कार लेके चौथा, चार गाड़ी। और यहाँ पर देख सकते हैं दो ठो, बस दो ठो देख लिए बस काफ़ी है, बहुत ज़्यादा डिटेल देने का ज़रूरत नहीं है। देख रहे शायद ये ज़्यादा भूखा है, वो शायद क्या क्या मुंह में ले रहा है। और ये रहा श्री राम फैमिली ढाबा। बाकी इधर हम लोग वाला चावल नहीं मिलता है, अरवा चावल मिलता है जो सफ़ेद वाला, तो इसीलिए हम लोग इधर रोटी खाना ज़्यादा समझ आया समझ लो। और कोई भी अगर इसी तरफ आते हैं हम लोग की तरफ से तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो चावल है हम लोग वाला चावल वो थोड़ा नहीं मिलता है, कोई कोई जगह मिल सकता है लेकिन अधिकतर 95% नहीं मिलता है। इधर मिलाते हैं भाई लोग से, ये देखो क्या बोलने खोज रहे हैं। इधर कुछ मिला नहीं है, बाकी खाना काफ़ी वैरायटी दिख रहा है। टेस्ट कैसा है भाई साहब? बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं आप? शर्म आ गया, जल्दी शादी देना होगा इसका। उधर हेडफोन में बिजी है, कुछ शायद देख रहा होगा। अरे भाई ये तो वही हैप्पी टंडा देख रहे हैं। और इधर और एक ग्रुप हम लोग का, सलमान खान पार्ट 4 रिलीज होने वाला है, दबंग टी शर्ट खोले हुए। और उधर जैकी चैन का तीसरा पार्ट, ये बाइसेप ट्राइसेप के लिए काफी मेहनत का जरूरी है। सिक्स पैक स्मार्ट बॉय राकेश लाभार बॉय ने क्या है आईडी तो। बाकी खाना कैसा है बता दो अपने फैंस सब को, खाना टेस्टी है। चलो इधर है महादेव, थोड़ा स्मार्ट लुक अब दिख रहा है लड़का लोग नहाने धोने के बाद। इधर है हम लोग का सारथी ऑपरेटर, हाई कर दो। और इधर है शंकर, उधर केडी, उधर है अमृत। चलो खाना कैसा है भाई लोग? इधर लालू वर्मा दा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, इधर जनार्दन, और इधर है न्यू ग्रुप का मेंबर सब लग रहा है। कैसा है खाना? चलो बहुत अच्छा है, अच्छा लगा वही बहुत अच्छा है। इधर है अल्लू अपनी तुम दारू वाला, उधर है मिंटू। यानी इधर हम लोग को चावल अपना वाला जो चावल है वो नहीं मिल रहा है, इसीलिए रोटी तड़का और उसके साथ जो भी पॉसिबल हो तब इधर होना है, लेकिन ये इतना दूर आने के बाद पेट भर जाए हम लोग के लिए वही बहुत है, क्योंकि बहुत मुश्किल से इतना देर बाद
हम लोग को ऐसा जगह मिला जहाँ पर नहाने वहाने खाने वाने का सारा चीज व्यवस्था है। और अपना आईडी बता दो यूट्यूब का, डीजे सार्जन ऑफिशियल वीएल, डीजे सार्जन ऑफिशियल वीएल। और बाकी कुछ कुछ लड़का इधर है, कुछ उधर फ्रेश, इधर लाल चांद पानी पीते हुए, क्या है कोल्ड ड्रिंक के साथ। और इधर है भैया जी जो नया मेंबर, बताइए आपको कैसा लगा टूर? तो डीजे में मज़ा बहुत आया कि नहीं? थोड़ा बहुत आपको, सारा दुनिया आपको भी देख रहे हैं, आप हमारे फैमिली में न्यू है, बाद में आपसे रिपोर्ट लेंगे आपको कैसा लगा। बाकी इधर कुछ कुछ सामान को सेफ्टी नज़र देखते हुए कुछ सामान में बदलाव आया। भाई कूदना उदना नहीं ना, कूदने उदने का इरादा नहीं ना है, वही चीज़ है, कुछ अगर दिक्कत है तो बोल देना, घर पहुंचाने दो। ये अपना टीम का लोगो, लास्ट में एक फोटो भी होगा। और डीजे वाला का हम लोग का लाइफ देख सकते हैं, इधर आई कर दो भाई लोग। ये हम लोग का पंखा, चट्टी, बनियान, जूता, चप्पल, कैंची, पेचकच, प्लास, सब होल्डिंग मशीन, सब साथ में लेके जाना पड़ता है। ये होता है हम लोग का डीजे वाला का रियल लाइफ, इतना कुछ हम लोग करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, तब जाके आपको एक परफेक्ट रोड शो देखने को मिलता है। ऐसे नहीं कि गए और यूं ही हो गया, ऐसे नहीं होता है आपको। इसीलिए एक डीजे वाला का लाइफ, सिर्फ मेरा नहीं, अपना नहीं बोल रही है, हर डीजे वाला लाइफ इसी तरह होता है। उन लोग इतना मेहनत करते हैं, और बुक करने वाले जितना भी लोग हैं, जितने भी पब्लिक है, उन लोग को मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग बहुत आसानी से किसी का पैसा वैसा रख लेते हैं, हर किसी का नहीं बोल सकते, लेकिन किसी किसी बाजा वाला का यूं ही पैसा कट के रख लेते हैं। तो एक बार हम लोग का ये वीडियो देखिएगा जो ब्लॉग वाइज है, आपको समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप भी कहीं ना कहीं मेहनत करते हैं, और आपका अगर पैसा कोई रख लेता है तो आप सोच सकते हैं कि आपका क्या स्थिति रहा होगा। मान लीजिए महीना भर अगर आप भी काम करते हैं और आपका पैसा कोई रख लेता है, तो सोचिए कि आपके ऊपर क्या बीतेगा। इसीलिए ये ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ ये जो डीजे वाले हैं उनको लिए नहीं, उनके लिए नहीं है, ये सबके लिए जो भी हम अपना ब्लॉग देखते हैं। मैं और भी जो भी डीजे वाले हैं उन सबको बोलूँगा कि ये वीडियो को उन लोगों को भेज दीजिएगा, उन लोग थोड़ा सा डीजे वाला का लाइफ देखेंगे कि कोई भी अगर अपना नाम बनाने के लिए कितना क्या मेहनत करता है। इसमें हम लोग का ना खाना पीना टाइमली, और एक तरफ से देखा जाए ना ढंग से, टाइमली नहीं तो समझ लो ढंग से भी उतना नहीं, अगर हम लोग थोड़ा सा ये करते अपना व्यवस्था लेके चलते हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत हम लोग टाइमली कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे डीजे वाले जो टाइमली नहीं कर पाते हैं, तो कभी भी कोई भी किसी भी डीजे वाला का पैसा कटने से पहले एक बार ये सोचिएगा। और ये वीडियो देखने के बाद हमको नहीं लगता है कोई भी इतना स्ट्रगल किसी का देखने के बाद कोई भी किसी के साथ गाली गलौज या दुर्व्यवहार करेगा। ठीक है, ये वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ आपको दिखाएंगे, और भी ब्लॉग का एंडिंग जब होगा, घर पहुंच जाएंगे तब करेंगे। हाय दोस्तों, और खाना उना खाने के बाद सब देखिए, अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। ये टाइम करीबन आपका 3:27, खाना उना खा के रेडी, अब गाड़ी हम लोग का छूटने वाला है। और देख सकता है किस तरह से सब कुछ रहता है, वाह। और इधर एक भाई जो मिल गए हैं रास्ता में, क्या नाम है आपका बता दीजिए? रोहित डीजे जमानिया कस्मर, ऐसे कुछ जगह का नाम है, देखने मिल जाएगा। और इधर सारा चीज पूरा ग्रुप इधर, ओके ओके बाय। उधर अपना कार निकलते हैं, और इधर हम लोग थोड़ा सा हाईवे,
चाय पीने के लिए रुके हैं, जहाँ पर दिया हुआ आई लव चाय, चाय साई की स्टॉल आई लव चाय। और इधर भैया बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं। और इधर सिगरेट फूक रहा है यार के, आप देखते हैं चाय पी के कैसा टेस्ट लगता है। और फाइनली यहाँ चाय पीने के बाद आई लव चाय इधर, और इसके बाद फिर इधर हाईवे से ये आपका यूनिट के बगल में है, मैं कॉफ़ी चॉकलेट खा रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा अच्छा फील, फ्रेशनेस फील हो रहा है। चाय अच्छा चाय था, और उसके बाद कॉफ़ी वाला चॉकलेट, और फिर हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। कर्मा दा भी चॉकलेट इधर पूछता ड्राइविंग में, हम थोड़ा थक गए, थोड़ा नहीं पूरे थक गए हैं। चंगा हो जाएगा, हम भी चंगा हो गए, और देख सकते हैं मौसम काफ़ी अच्छा है, और अब एक रिलैक्स वाला फील हो रहा है। और देख सकते हैं हाईवे, और ये है होटल अंदरूक, और इधर साइड में कुछ फैक्ट्री वगैरह। देखो इधर, देखो जितना दूर तक देखेंगे ना पूरा लेवल दिखता है, और इधर धान वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा होता है हम लोग के उधर से। और इधर रात को लौटते समय टूल टैक्स के पास, और इधर कुछ रास्ता हल्का हल्का, सब गाड़ी बढ़ा रहे हैं। करीबन 11 से 12 बजे तक लगभग, जो कि खाना अभी 40 जन का पॉसिबल नहीं है, सब कोई 2-3 जन का बोल रहे हैं। तो कभी भी अगर हाईवे पे खाना खाने का रहेगा तो कोशिश करना 9-10 बजे तक कर लेना। काफ़ी जगह पर होता है कि खाना उस तरह से नहीं मिल पाता है, कुछ कुछ जो नामी होटल होता है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, जैसे खालसा होटल वगैरह ये सब, तो आप मैप में भी सर्च कर सकते हैं खालसा होटल या ऐसे कुछ पंजाबी होटल, वही सब रात तक अच्छा खाना मिलता है। बाकी लोकल वाला सब झोला झपेटी लेके 12 बजे तक कहानी ख़त्म। चलिए देखते हैं, फिर वहाँ पहुँच के फिर दिखाते हैं वीडियो आपको। और थोड़ा सा ही रेस्ट किए थे, और थोड़ा सा रेस्ट के बाद ही फिर हम लोग को यहाँ से घर के लिए निकलना पड़ा। सब लग लग किरपल विरपल सब ये कर लिए। पुस्तम कहाँ गए सुते? ये अपना कार इधर, और भी देखिए किस तरह से हाईवे में हम लोग निकलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये बाकी सुबह वाला अगर जग पाए तो सुबह वाला आपको वीडियो भेजेंगे। और लगभग सुबह का 4:30, आंखों पूरा लाल हो गया है, और यहाँ पर कार आपको है लड़का लोग गाँव।
गए घर, फिर भी देखते हैं किस तरह से सोए हुए थे। थोड़ा सा पहले ही पहुंचे घर, अपना गाड़ी सब भी आ गया। ये हमारा डीजे सर्जन प्रोडक्शन, और देख सकते हैं फाइनली पहुंच चुके हैं। एक एक गाड़ी दो और एक गाड़ी पता नहीं किधर है, और फाइनली घर पहुंच चुके हैं मेरी बेटी। ओ ओ ओ, ओ। हेलो पीपी, पापा 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 कर दो बेटा, सबको पापा कर दो, टाटा कर दो बेटा, सबको टाटा टाटा कर दो ना, बाय 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 भाई। और इधर थोड़ा सा ब्रश व्रश कर लिए, और इधर जाके अभी वहाँ पर सारा सामान को खुलवाएंगे। और लगभग ये वाला और एक तो मेरे ख्याल से यही लास्ट प्रोग हो जाएगा आज वाला को लेके। हाँ मेरा बेटा बाय बाय कर दिए, बोलो बेटे कर दो। हाँ पापा दूर चल गए थे ना। हाँ आइया 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 मेरा बेटा, चलो दो तीन दिन से मेरे से दूर थे। हाँ ओ टाटा वाह 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 वाह, ठीक है टाटा कर ले, ठीक है चलते हैं। वीडियो को थोड़ा उधर लोडिंग कराते हैं सामान। हाँ टाटा बाय बाय बाय, गुड 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 गुड। अनलोडिंग हो रहा है वो भी दिखा दे। क्या था ये अपना गोडाउन? आस्ते आस्ते, पूरा पीछे मत करना वैसे। और इस तरह से अनलोडिंग, अभी और एक गाड़ी हम लोग का पहुंचा नहीं है। को तापस हाई कर दो तुम्हारा फैंस के लिए। अपना 45 का टीम है, इधर ही रख दो इसको। तापस को लूज मार रहा है इसको बाहर, तो तापस का पावर बूस्टिंग ताकत के साथ तापस का शरीर जवाब दे दे रहा है। इधर गोलक डीजे गोलक संताली स्पेशलिस्ट, अबे हाथ तो दे, ओवर स्मार्ट के चक्कर में चल जाएगा हाथ उठ, अभी शादी भी नहीं हुआ है। और क्यों चल और देख सकते हैं लगभग लगभग अनलोड हो चुका है सब। आप धीरे धीरे घर जाएंगे, आज भर रेस्ट का जो और भी एक मज़ेदार पार्ट आएगा एक डीजे लाइफ का, किस तरह से पूरा दिखाएंगे इस वीडियो में। लगभग आपको पार्ट वाइज सारा चीज़ देखने मिल गया है, और लगभग लगभग अपना सामान भी सारा सामान अरेंज वाइज